मैदान दे विच आ सकते हैं, पर इस दे विचाले श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह हुणा दा एक वड्डा बयान सामने आया कि जदों तक तनखाह पूरी नहीं हो जाती उदों तक वह बंदा तनखाइया ही करा रहिंदा है। तुहानू दस दईए कि अकाली दल दे कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भूंदड़ हुणी सत मैंबरी वफद दे नाल ज्ञानी रघबीर सिंह हुणा नूं मिलदे ने और गलबात करते हैं। सुखबीर सिंह बादल हुणा दे नाल जुड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि जिहड़ा फैसला है वह दिवाली तो बाद पांच सिंह साहबाना की बैठक दे विच लिया जाएगा ते ए बैठक जिहड़ी है वह दिवाली तो बाद दे विच होवेगी। पांच सिंह साहबान बैठ के इस मीटिंग दे विच जिहड़ा आ उह फैसला करनगे। सुखबीर सिंह बादल ते फैसला जिहड़ा आ उह सुनाया जाएगा। पांच सिंह साहबाना की बैठक दे विच फैसला जिहड़ा आ उह होवेगा और दिवाली तो बाद दे विच मीटिंग हो सकती है, पर उस तो पहला यह भी गल उन्होंने क्लीयर कर दी है कि जिहड़ा तनखाइया हुंदा है उसनू किसी भी तरह की छोट जिहड़ी है वह नहीं दिती जांदी कि वह जां चोण लड़ लैण जां फिर कोई काम कर लैण। तां इथों इह क्लीयर हो चुका है। जी हाँ, इस वेले की वड्डी खबर है कि सुखबीर सिंह बादल हुणी गिद्दड़बाहा तो चोण जिहड़ी है नहीं लड़नगे क्योंकि क्यासराइयां जिहड़ियां ने वह लगातार लगाईयां जा रहियां सी कि सुखबीर सिंह बादल हुणी चोण मैदान दे विच गिद्दड़बाहा तो उतर सकते हैं, पर इस दे विचाले अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह हुणा दा बयान सामने आया कि जदों तक तनखाह पूरी नहीं हो जाती उदों तक बंदा जिहड़ा आ तनखाइया ही रहिंदा है। तां इस तों भाव इह है कि जिन्ना तक सज़ा पूरी नहीं कर लैंदे उन्ना तक जिहड़े आ उह तनखाइया ही करार रहणगे। तां इसे दौरान यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह जिहड़ी जिमनी चोण है वह नहीं लड़ सकणगे। कार्यकारी प्रधान अकाली दल दे बलविंदर सिंह भूंदड़ हुणी सत मैंबरी वफद दे नाल जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह हुणा नूं मिलदे ने और गलबात कीती गई होवेगी, मीटिंग नूं लै के गलबात कीती गई होवेगी। तां तुहानूं दस दईए कि उन्होंने ज्ञानी रघबीर सिंह हुणा दा यह वड्डा बयान जिहड़ा आ वो सामने आया। उन्हें यह भी कह दिता है कि जदों तक बंदा तनखाह जिहड़ी है वह पूरी नहीं कर लैंदा उदों तक तनखाइया ही करार रहिंदा है। तो इतों ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल जिहड़े ने उन्हां नूं चोण लड़न दे वास्ते छोट जिहड़ी है नहीं दित्ती गई। ये ज्ञानी रघबीर सिंह हुणा दा वड्डा बयान सामने आया। उन्हें कह के पांच सिंह साहबाना की बैठक दे विच ये फैसला लिया जाएगा ते जिहड़ी बैठक है वह दिवाली तो बाद होवेगी ते सिर्फ नॉमीनेशन दे लई तीन दिन बचे ने, जिथों यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल हुणी चोण मैदान दे विच नहीं उतरनगे। मेरे नाल सहयोगी जुड़ चुके ने अक्षय अमृतसर तो गलबात करते हैं। अक्षय, वड्डी खबर है, राहत मिली है जां फिर नहीं मिली? ये बयाना तो साफ जाहिर हुंदा है, इस दे बारे जानकारी जरूर दिओ। खास करके सुखबीर सिंह बादल होना लैके कितना किते बादल सुखबीर सिंह बादल होना हाले राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही, क्योंकि जो सिंह साहब ने उन्हों का कहना है कि दिवालियों बाद जरा आप मीटिंग करांगे तो पांच सिंह साहबाना की मीटिंग होगी तो मीटिंग तो बाद वड्डा फैसला जरा सुनाया जा सकता, लेकिन तनखाइए करार का मतलब परिभाषा भी उन्होंने दसी है जो तक वह अपनी तनखाह पूरी नहीं कर लेंगे उदों तक वह तनखाइया ही रहनगे। तो कितना किते इन्हां शब्दों के कह सकते हैं कि सुखबीर सिंह बादल होना बिल्कुल भी राहत नहीं मिली। जसपाल, तो एक वड्डी खबर कह सकते हैं अगर गिद्दड़बाहे की चोण की गल करिए सुखबीर सिंह बादल हाले चोण नहीं लड़ सकते। साफ ते स्पष्ट सिंह साहब जी ने कर दिता है क्योंकि उन्होंने बयाना तो पता लग रहा है उन्होंने जो कहा है कि तनखाइया करार की परिभाषा उन्होंने दसी है तो यह परिभाषा उन्होंने वास्ते है जेडे कि इतने देर रात पहुंचे सन सिंह साहब जी को एक अर्जी लैके एक अपील लैके कि सुखबीर सिंह बादल उन्होंने तनखाइया करार तो राहत मिल सके।
कितना कितना सिंह साहब होना ने अपना फैसला जरूर है ये दसिया, लेकिन उन्होंने भी कहा कि जो मीटिंग होएगी, जो पंच सिंह सभा मीटिंग होएगी तो उस तो बाद कोई वड्डा फैसला लिता जा सकता। पर अक्षय जेकर जिवें ज्ञानी साहब हुणा ये भी साफ कर दिता है कि जिहड़ी मीटिंग है वह दिवाली तो बाद दे विच होवेगी, तो सिर्फ 3 दिन रह चुके ने नॉमीनेशन फाइल करन लई और समा लंघ जाएगा और शायद ही फिर फार्म जिहड़े भरे जाण। बिल्कुल जसपाल, क्योंकि 3 दिन फार्म भरन का समा जो है तो लंघ जाऊगा, क्योंकि दिवाली तो बाद मीटिंग होगी, मीटिंग की हजे तरीक फाइनल नहीं हुई, अगर तरीक फाइनल हुई हो भी चलो पता होता, लेकिन हरे सिंह साहब वालों इन्ना जरूर संकेत दिता गया कि दिवाली तो बाद मीटिंग होगी, तो साफ तौर पर पता लग रहा है कि सुखबीर सिंह बादल चोन नहीं लड़ सकते, क्योंकि गिद्दड़ बाहे तो चोन लड़नी हो तो उस तो पहला उन्होंने फार्म भरने पैणगे, तो फार्म तइयो भरन गए अगर तनखैया करार हो तो जा उन्होंने राहत मिली हो, क्योंकि गिद्दड़बाहा जिमनी चोण तो यह लगातार क्यासरियां लग रही सी कि चोण मैदान दे विच अकाली दल दे प्रधान जिहड़े ने सुखबीर सिंह बादल आ सकते ने गिद्दड़बाहा तो चोण लड़ सकते ने जिमनी चोण दे वास्ते, एक गल निकल के सामने आई सी, पर एक वफद मिलता है कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह पूंदण हुणा दी अगवाई दे विच 7 मैंबरी वफद ज्ञानी रघबीर सिंह हुणा नूं जाके मिलता है और फैसला की होवेगा सुखबीर सिंह बादल हुणा ते, इस साफ तौर पर ज्ञानी रघबीर सिंह हुणा ने क्लीयर किया है कि 5 सिंह साहबाना की बैठक दे विच फैसला लिया जाएगा और यह बैठक जिहड़ी है यह दिवाली तो बाद होवेगी और जिहड़ा तनखाइया आ वह तनखाह पूरी करन तक तनखाइया ही रहिंदा है, उसनू किसी भी तरह की छोट जिहड़ी है नहीं दित्ती जा सकती। तो जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह हुणा दे इन्हां बयानों तो साफ हो जाता है कि जिहड़ा तनखाइया आ उसनू किसी भी तरह की छोट नहीं दित्ती जाएगी, चाहे वह इलैक्शन लड़न नू ही लैके क्यों ना होवे। तो एक वड्डा सवाल अपने आप दे विच ही बन जाता है कि हुण सुखबीर सिंह बादल गिद्दड़बाहा तो चिमनी चोण जिहड़ी है नहीं लड़नगे, क्योंकि नॉमीनेशन दे विच सिर्फ 3 दिन रह चुके ने और जिवें ज्ञानी रघबीर सिंह हुणा ने कह दिता है कि उन्हां दे उपर फैसला असीं 5 सिंह साहबाना की मीटिंग दे विच लवांगे और वह मीटिंग दिवाली तो बाद होवेगी, तो भाव नॉमीनेशन के दिन जिहड़े है वह लंघ जाणगे। तो इत्थे यही संभावना एको एक ही संभावना रहिंदी है कि सुखबीर सिंह बादल हुणी गिद्दड़बाहा तो चोण जिहड़ी है यानी कि जिमनी चोण सुखबीर सिंह बादल हुण नहीं लड़ सकते, उन्हां नूं किसी भी तरह की छोट नहीं मिली क्योंकि तनखाइया तनखाह पूरी करन तक तनखाइया ही रहिंदा है। यह सब तो वड्डा बयान श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह हुणा दा सामने आया, तो इत्थों साफ जाहिर हो जाता है